नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्रोनॉमी की 362 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 363 से लेके 507 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि आज का ये लास्ट वीडियो रहेगा एग्रोनॉमी का। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके TA और कैन सुपरवाइजर के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 363 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इथेनॉल प्राप्त किया जाता है जेट्रोफा से, करंज से, गन्ने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, गन्ने से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इथेनॉल की बात कर रहा है तो गन्ने से प्राप्त होता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 364। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है पवन से, जल से, सौर ऊर्जा से, या वातावरण से। तो यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, वातावरण से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 365। तैरते ड्रम के गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है कौन से विधि के द्वारा निर्माण किया जाता है। KVIC, AFVRO, या EMP, UAT, या CTAA। तो इन चारों में से बताइए किस विधि द्वारा तैरते ड्रम के गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर KVIC, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 366। पवन को परिभाषित किया जा सकता है तेज तूफान से, स्थिर हवा से, गतिशील हवा से, या जैसी हवा है वैसे ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गतिशील हवा से, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने के प्रयास करेंगे, ताकि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 367। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, ठीक है। वायुमंडल में बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बताना है, 78.08, 20.94, या 0.93, या 0.03%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 0.03%, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है वायुमंडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 368। किस फसल के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। गेहूं, धान, मक्का, या बाजरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 369 देखेंगे। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, जाता जल पारिस्थितिकी तंत्र, घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र, या वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, या फसल पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें से बताना है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, फसल पारिस्थितिकी तंत्र। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 370। वन्य जीव सुरक्षा कानून कब पास हुआ था, 1972, 1974, 1981, या 1986। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 371। 371 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है। CNG, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, या LPG। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बायोगैस जो होता है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 372। पर्यावरण कानून पास हुआ था, ठीक है, आपको बताना है पर्यावरण या सुरक्षा कानून कब पास हुआ था, 1974, 1972, 1986, या 1981। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 1974 में पास हुआ था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 373। जब एक जीव दूसरे का भक्षण करता है तो किसका ह्रास होता है, ऊर्जा का, भोजन का, रसायन का, या गैस का। जब एक जीव दूसरे का भक्षण करता है तो किसका ह्रास होता है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का ह्रास होता है,
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 374, अवनीकरण से बढ़ावा मिलता है, ठीक है, अवनीकरण से क्या बढ़ावा मिलता है ये आपको बताना है, पर्यावरणीय असंतुलन को, मृदा अपरदन को, या मरुस्थलीकरण को, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनीकरण से जो बढ़ावा मिलता है, पर्यावरण असंतुलन को भी बढ़ावा मिलता है, मृदा अपरदन को भी बढ़ावा मिलता है, मरुस्थलीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 375। 375 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो इसमें से बताना है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये दोनों ही किसके हैं, अनवीकरण के उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत माना गया है, जबकि पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है, ठीक है। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना पूछा था, तो अगर पवन ऊर्जा होता, सोलर ऊर्जा होता, बायोमास होता या बायोगैस होता, तो ये सब हो जाते नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पर कोयला दिया है, पेट्रोल दिया है, दोनों ही क्या है, दोनों क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, दोनों ही अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 376। क्वेश्चन नंबर 376 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत क्या था। उचित फसल प्रबंधन, सिंचाई का साधन, उर्वरकों का उपयोग, या गेहूं और धान की बौनी प्रजातियां। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत था गेहूं और धान की बौनी प्रजातियों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 377, एरोइंग से क्या तात्पर्य है। धान में बाली निकलना, केले में फूल बनना, गन्ने में फूल बनना, या प्याज में फूल बनना। तो एरोइंग का तात्पर्य होता है गन्ने से, तो गन्ने में फूल जो बनता है उसी को एरोइंग कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 378, किस फसल की रेटिंग महत्वपूर्ण है, ठीक है, जूट में, प्याज में, अमरूद में, या केला में। तो रेटिंग की क्रिया किस में होती है ये आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जूट में रेटिंग की क्रिया होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 379। 379 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किस फसल में मिट्टी चढ़ाने की संतुप्ति नहीं की जाती, किसमें मिट्टी का चढ़ाने का क्रिया नहीं की जाती है, तो ये आपको बताना है, कपास, आलू, गन्ना, चुकंदर। तो आलू के अंदर आप लोग जानते हैं मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है, गन्ना में भी किया जाता है, चुकंदर में किया जाता है, लेकिन कपास में मिट्टी चढ़ाने का कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, कपास, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 380, गन्ने की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक पंक्ति बोना किसका उदाहरण है। गन्ने की अगर दो पंक्ति हम लगा रहे हैं, उसके मध्य में एक पंक्ति अगर हम उड़द की लगा दे रहे हैं, तो कौन सी खेती कहलाएगी, रिले खेती, या मिलवा खेती, जोड़ी खेती, या अंतर खेती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंतर खेती। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 381, फ्लैक्स किसका रेशा है, कपास का, अलसी का, सनई का, जूट का। तो फ्लैक्स जो रेशा है वो हो जाएगा अलसी का, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 382। 382 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 10 वर्ग मीटर क्षेत्र बोने के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कितने बीज की मात्रा लगेगी। 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 100 ग्राम, या 10 ग्राम। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 383, आलू के प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों स्थित हैं। आपको बताना है आलू के जो प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्र में क्यों स्थित है। वहाँ पर जैसे कुफरी है, आलू अनुसंधान केंद्र वहाँ पर बनाया गया है शिमला में, तो पर्वतीय क्षेत्र है, तो क्यों ऐसी स्थिति आई वहाँ पर बनाने के लिए, ये यहाँ पर पूछ रहा है। आलू पर्वतीय क्षेत्रों का अच्छा उगता है, या पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की गुणवत्ता अच्छी होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में आलू पूरे वर्ष उगता है, या आलू का मैदानी क्षेत्रों में फूल नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आलू का मैदानी क्षेत्रों में फूल नहीं बनता है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 384। 384 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। करंट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, जल प्रवाह की गति, वर्षा,
या जल प्रवाह की गहराई। तो करंट मीटर के द्वारा मापा जाता जो वो जल प्रवाह की गति मापी जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 385। स्थिर जल मापने की इकाई क्या है? लीटर प्रति मीटर मिनट, घन मीटर या वर्ग मीटर या किलोग्राम प्रति मिनट। तो यहाँ पर स्थिर जल मापने की इकाई पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन घन मीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 386। 386 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक पाइप में 0.4 घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है, तो 5 मिनट में बहने वाली कुल पानी कितना होगा? ठीक है, एक पाइप है उसके अंदर 0.4 घन मीटर की प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है, तो 5 मिनट में बताना है कुल पानी कितना होगा। 2000 लीटर या 2400 लीटर, 3000 लीटर या 1200 लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 लीटर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 387 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 387 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्यम सिंचाई परियोजना का सिंचित क्षेत्र होता है 500 हेक्टेयर तक, 500 से 2000 हेक्टेयर, 2000 से 10000 हेक्टेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्यम सिंचाई परियोजना का सिंचाई क्षेत्र जो होता है वो 2000 से लेके 10000 हेक्टेयर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर TA और कैन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 388 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब केंद्रीय पंप का प्रयोगात्मक चूषण शीर्ष होता है 1 से 2 मीटर, 6 मीटर, 12 से 15 मीटर या 15 से 25 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 389। खुला पात्र वाष्पमापी निम्न मापने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है खुला पात्र वाष्पमापी क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खुला पात्र वाष्पमापी जो होता है एक प्रकार का 120 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला खुला पानी भरने वाला पात्र होता है। ठीक है, खुला पानी भरने वाला एक प्रकार का पात्र होता है। इसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर और ऊंचाई होती है 25 सेंटीमीटर। इससे क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण नुकसान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पानी का वाष्पीकरण नुकसान ज्ञात किया जाता है, ये याद रखेंगे आपको। तो यहाँ पर इनमें से कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं था। ठीक है, इसलिए हो गया यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 390। 390 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक स्रोत से 150 लीटर प्रति सेकंड की दर से जल का प्रवाह होता है तथा खेत पर यह जल प्रवाह 105 लीटर प्रति सेकंड की दर से पहुँचता है, तो जल संवहन क्षमता होगी 143%, 70%, 45% या 7%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 70%। ठीक है, जल संवहन क्षमता कितनी होगी, 70 रहेगा, 70%। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 381। पार्सल फ्लूम का आकार व्यक्त किया जाता है उसके गले की चौड़ाई द्वारा या पार्सल फ्लूम की लंबाई द्वारा या उपरोक्त दोनों द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके गले की चौड़ाई द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 392। 392 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन तेल सामान्य रूप से खाने योग्य नहीं है? इसमें से खाने योग्य तेल कौन सा नहीं है? सरसों का, मूंगफली का, अलसी का, सूरजमुखी का। तो आप लोग जानते हैं सरसों का भी खाया जाता है, मूंगफली का भी खाया जाता है, सनफ्लावर का भी खाया जाता है, लेकिन अलसी का तेल नहीं खाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 393। भारत में किस फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गेहूँ, गन्ना, धान, ज्वार। तो भारत में धान की जो फसल है इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 394। फसल का नाम बताइए जिसमें अन्य की अपेक्षा भिन्न पादप भाग रेशे के रूप में प्रयोग में होता है, सनई, जूट, पटसन या कपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था, कपास। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फसल का नाम बताना था जो अन्य अन्य फसलों की अपेक्षा क्या है,
पादप भाग रेशे के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 395। 395 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का, गेहूं, गन्ना, पेड़ी, फसल चक्र की सघनता ज्ञात करना है। 133%, 150%, 167 या 200%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 133%। ये आपको या आना चाहिए, फसल चक्र किस प्रकार से निकालते हैं, फसल चक्र की सघनता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक है, कितने वर्ष की है, तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 396। दलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का नाम बताइए। लासो, मैचेटी, DDT या BSC। तो दलहन फसलों में कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग लाते हैं, तो लासो, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 397। निम्न में से सबसे उपयुक्त फसल चक्र बताइए। धान गेहूँ, मक्का गेहूँ, या मूंग गेहूँ, या मक्का आलू गेहूँ, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त फसल चक्र इसमें से बताना था, तो सबसे उपयुक्त चक्र हो जाएगा मूंग और गेहूँ, ठीक है, मूंग गेहूँ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 398 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 398 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादकता किस राज्य की है? उत्पादकता पूछ रहा है, ना कि उत्पादन पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो यहाँ उत्पादकता हो जाएगी सबसे ज़्यादा गेहूँ की पंजाब के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 399। बाजरा एवं तिल का बीज मिलाकर बोने किसका उदाहरण है? ठीक है, अगर बाजरा और तिल को हम दोनों को मिलाकर बो रहे हैं तो किसका उदाहरण कहलाएगा? मिलवा खेती का, अंतर खेती का, रिले क्रॉपिंग का, या सामान्य खेती का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलवा खेती, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मिक्स्ड क्रॉप। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 400। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च स्थित है, कहाँ पर स्थित है? करनाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या बिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 401। 401 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा पादप तत्व बीमारी और कीड़े का प्रतिरोध पैदा करने में प्रभावकारी होती है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटाश जो होते हैं, ये कीड़ों और बीमारियों से प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 402। मोथा इस परिवार का है, मोथा की फैमिली बताना है। मोथा एक प्रकार की घास है, इसकी फैमिली कौन सी होती है? ग्रेमेनी, मालवेसी, साइप्रेसी या लिलिएसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, साइप्रेसी, ठीक है, मोथा की फैमिली साइप्रेसी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 403। 403 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतवर्ष में शक्कर की फैक्ट्रियों की सबसे अधिक संख्या स्थित है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या बिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र में, ठीक है, फैक्ट्रियों की संख्या पूछा है शक्कर की, तो भारत में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ महाराष्ट्र में हैं। यहाँ देख सकते हैं भारत सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन की बात करें, उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले रैंक पे है, परंतु सबसे ज़्यादा संख्या में शक्कर फैक्ट्रियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 404। सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण आता है? एमिनो अम्ल के कारण, ग्लूकोसिलेट के कारण, या एरुसिक अम्ल के कारण, या ऑक्जेलिक अम्ल के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्लूकोसिलेट के कारण, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 405। 405 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्लोरोफिल का बाहरी हिस्सा किस धातु का होता है? लोहा का, मैग्नीज, मैग्नीशियम या जस्ता? तो क्लोरोफिल का जो बाहरी हिस्सा होता है किस धातु का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए वो हो जाएगा मैग्नीशियम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 406। 406 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे की डॉर्मेंसी को तोड़ने वाला कौन सा वृद्धि नामक हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिकम या 2,4-D? तो डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है जिब्रेलिकम का, GA3 का, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 407। सबसे अधिक महंगा बीज किस श्रेणी का होता है? आधार बीज का, प्रमाणित बीज का, प्रजनक बीज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रजनक बीज जो होता है, ये
सबसे अधिक महंगा बीज होता है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 408 पर। 408 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल कटाव के प्रथम रूप का नाम बताना है, ठीक है, जल कटाव का प्रथम रूप का नाम क्या होता है, सीट कटाव, रील कटाव या स्प्लेस कटाव या गली कटाव, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्लेब्स कटाव, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 409, निम्न में से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक या मैग्नीशियम, तो कौन सा ऐसा तत्व है जो वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पोटेशियम, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 410, PBW 343 एक अच्छी किस्म है, बताना है अच्छी किस्म किसकी है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, गेहूं की, जौ, चना या मसूर, ठीक है, तो आपको बताना है PBW 343 किसकी किस्म है, तो ये जो किस्म हो जाएगी वो हो जाएगी गेहूं की, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 411 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक एकड़ बराबर कितना होता है, 0.603 हेक्टेयर या 0.040 हेक्टेयर या 0.504 हेक्टेयर या 0.404 हेक्टेयर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक एकड़ बराबर 0.404 हेक्टेयर होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 412, सामान्य चपाती गेहूँ में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14, 21, 28 या 42, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 42, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 413, सस्य विज्ञान के सिद्धांत एवं अभ्यास लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक का नाम है सस्य विज्ञान के सिद्धांत एवं अभ्यास, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा TY रेड्डी द्वारा लिखी गई है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 414 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय स्थित है करनाल में, नई दिल्ली में, कानपुर में या बिहार में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करनाल, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, निदेशालय पूछ रहा है, ठीक है, गेहूं का, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, करनाल हरियाणा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 415, हाइड्रोपोनिक्स है, आपको बताना है हाइड्रोपोनिक्स क्या है, पौधों को मृदा में उगाना या पौधों को मृदा रहित माध्यम से उगाना या पौधों को चट्टानों पर उगाना या जलमग्न मृदा में पौधों को उगाना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, जलमग्न मृदा के अंदर पौधों को उगाना, तो यहाँ डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है जल के अंदर अगर किसी पौधे को उगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 416, निम्न में से पोएसी किसका नाम है, ग्रेमेनी का, लेगुमिनेसी का, यूफोरबिएसी का या एस्ट्रेसी का, तो यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, पोएसी का दूसरा नाम आपको बताना है, तो हो जाएगा ग्रेमेनी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 417 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में कृषि योग्य भूमि है, आपको बताना है भारत में कितनी कृषि योग्य भूमि है, 166 मिलियन हेक्टेयर, 205 मिलियन हेक्टेयर या 109 मिलियन हेक्टेयर या 210 मिलियन हेक्टेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 166 मिलियन हेक्टेयर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 418, सस्य गहनता की गणना की जाती है, तो सस्य गहनता की गणना की जाती है एक सूत्र होता है उसके माध्यम से करते हैं, तो सूत्र हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कुल सस्य क्षेत्रफल भाग लगा देंगे बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल और गुणा कर देंगे 100, ठीक है, कुल सस्य क्षेत्रफल भागे बोया गया कुल शुद्ध क्षेत्रफल इंटू 100, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 419 पर, 419 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मक्का एक पौधा है, एक लिंगाश्रयी है, उभय लिंगाश्रयी है या उभय लिंगी है या इनमें से कोई नहीं, तो मक्का जो होता है वह उभय लिंगाश्रयी होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 420, ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण एवं बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट्स कहलाते हैं, मेजोफाइट्स या जीरोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी पूछा था ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण और बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन को पूरा कर लेते हैं तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 421, पादप जैव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है,
ठीक है। इसका पूरा नाम होता है NBPGRI, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका हम आंसर ही बता दे रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली, नई दिल्ली आपको याद रखना है, नई दिल्ली। पूछे NBPGR कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, जिसका हिंदी में नाम होता है पादप जैव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 422 पर। क्वेश्चन नंबर 422 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बीट कॉटन या बीटी का उद्भव है, आपको बताना है बीट कॉटन जो होता है कपास के अंदर, या बीटी कॉटन कह सकते हैं, इसका उद्भव कहाँ से है, बेटर तकनीक से, बेसिलस थुरिजिनसिस से, या बीटा तकनीक से, या सर्वोत्तम ट्रांसजेनिक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिलस थुरिजिनसिस, एक जीन होता है जिसको कपास के अंदर ये डाला गया, ठीक है, बीटी कॉटन, इसलिए उसका नाम पड़ा है। उसका कभी कभी बीटी का नाम भी पूछ लेता है, तो बीटी का पूरा नाम होता है बेसिलस थुरिजिनसिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 423, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया गया है, तो कहाँ से प्रकाशन किया जाता है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर काफ़ी फेमस बुक है, तो ये ICAR नई दिल्ली द्वारा निकाली जाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 424, खेत में सिंचाई की दक्षता अधिक होती है रेतीली दोमट में, या लोयम में, या क्ले लोयम में, या हेवी लोयम से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, क्ले लोयम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सिंचाई की दक्षता अधिक होती है क्ले लोयम में, ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 425, 425 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 425 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, धान, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 426 देखेंगे, भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्ध है, एक व्यक्ति को कितनी भूमि उपलब्ध है ये आपको बताना है, भारत के अंदर 0.17 हेक्टेयर, या 1.17 हेक्टेयर, या 2.70 हेक्टेयर, या 0.60 हेक्टेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 0.17 हेक्टेयर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 427, ट्रांसजेनिक पौधे जिसमें बीटी जीन होता है प्रतिरोधी होता है किसके प्रति, वायरस, कवक, या जीवाणु, या कीटों के प्रति, तो बीटी जीन जो डाला गया है ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो भी कौन सा कीट, अगर पूछे कीट का नाम पूछे तो गुलाबी सूंडी, ठीक है, आपको याद रखना है, पिंक वॉलवर्म उसका नाम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 428, हाई लाइसिन युक्त प्रोटीना किसकी प्रजाति है, गेहूं की, जौ की, मक्का की, या लहसुन की, तो हाई लाइसिन युक्त जो प्रोटीना प्रजाति है किस्म है ये किसकी हो जाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मक्का, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीना किस्म भी पूछ सकता है, तो मक्का आप याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 429, 429 नंबर स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बीटा वाल्गेरिस क्या है, तिलहनी फसल है, या दाल वाली फसल है, धान्य वाली फसल है, या शर्करा वाली फसल है, तो बीटा वाल्गेरिस जो है एक प्रकार की शर्करा वाली फसल है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 430, IGFRI झांसी के अंदर स्थित है, किससे संबंधित है, खाद्य फसल अनुसंधान से, चारा फसल अनुसंधान से, रेशा फसल अनुसंधान से, या वन वृक्ष अनुसंधान से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, चारा फसल अनुसंधान संस्थान पूछे तो झांसी के अंदर स्थित है, ठीक है, इसका IGFRI के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 431, आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, सैंडी लोम, क्ले लोम, सैंडी, या क्ले, तो आलू के लिए जो सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है वो सैंडी लोम मानी जाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 432, 432 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय के लिए सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, या तिल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूरजमुखी, ठीक है, सनफ्लावर का ऑयल सबसे बेस्ट माना जाता है हृदय रोगियों के लिए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 433, सबसे ज़्यादा लाइसिन पाया जाता है सोयाबीन में, सरसों में, गेहूं में, या चावल में, तो लाइसिन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है सोयाबीन के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 434, फसल के बोने के पश्चात किस खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर फसल की बुआई कर दी है तो कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 2,4-D है, पेंडीमेथिलीन है, आइसोप्रोटोरॉन है, ग्लाइफोसेट है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइफोसेट,
यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइफोसेट इसका प्रयोग फसल की बुआई के बाद नहीं किया जाता है, ये याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 435 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए और कैन सुपरवाइजर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 435 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए आंसर दीजिए। 435 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जिसको CPRI कहा जाता है कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, कानपुर, कुफरी शिमला या पालमपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुफरी शिमला के अंदर स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 436, भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है, धान, गेहूँ, मक्का या गन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल जो है वो है गेहूँ, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 437, कौन सी फसल जिसको गोल्डन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, मूंग, उड़द, अरहर या चना। तो गोल्डन ग्राम के नाम से किस क्रॉप को जानते हैं, मूंग को कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे गोल्डन ग्राम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 438 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, धान, गेहूं, कपास या गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धान, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली लगभग 47 मिलियन हेक्टेयर तथा सबसे ज़्यादा उत्पादन लगभग 105 मिलियन हेक्टेयर वाली फसल कौन सी है, धान है, जबकि दूसरे नंबर पर कौन है, गेहूँ है, जो कि लगभग 37 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है, इसका 26 मिलियन हेक्टेयर है जबकि उसका कितना था 47 मिलियन हेक्टेयर, और लगभग 95 मिलियन हेक्टेयर उत्पादन होता है, उसका कितना होता है 105, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, धान, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 439 पर। 439 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्य फसल के फेल होने के बाद जो फसल तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं, अगर कोई मुख्य फसल लगाए हैं वो फेल हो जा रही है किसी कारणवश, अगर उसके स्थान पर दूसरी फसल लगा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं, कवर फसल कहते हैं, कैच फसल कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी फसल को पकड़ने वाली फसल कहते हैं, ठीक है, उतने ही समय पर उसी सीजन में तैयार हो जाए उसी को कहते हैं कैच क्रॉप, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 440, एक फसल चक्र में फसल सघनता कितनी होती है, 100%, 200%, 150% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100%, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 441 देखेंगे, अरहर को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है, लाल चना, काला चना, बंगाल चना या घोड़ा चना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो अरहर को आम भाषा में हम लाल चना के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 442, समोच्च जुताई जिसको कंटूर टिलेज कहा जाता है किसके लिए किया जाता है, पोषक तत्व संरक्षण के लिए, मृदा एवं जल संरक्षण के लिए, कीट नियंत्रण के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आसान आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृदा एवं जल संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, समोच्च जुताई जिसको कंटूर टिलेज कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 443 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्दी एवं पाला से बचा सबसे ज़्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ता है, अलसी, सरसों, गेहूं या जौ। तो सर्दी और पाला सबसे ज़्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 444, वर्षा आधारित खेतों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ठीक है, वर्षा आधारित जो खेत हैं वहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 800 मीटर से ज़्यादा या 800 मीटर से कम, 200 मीटर से ज़्यादा या 400 मीटर से ज़्यादा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 445, निम्न में से किस फसल के संकर बीज नहीं हैं, कपास, अरंड, गेहूं या जूट। तो इसमें से बताना कौन सी ऐसी फसल है जिसके संकर बीज अभी तक नहीं हैं। तो 445 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, गेहूँ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 446, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है, कानपुर, जूनागढ़, नागपुर या रांची। तो आसान क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 447, गेहूं की लवणता रोधी किस्म कौन सी है,
तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, खर्चिया 65, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, खर्चिया, ये किस्म का नाम है खर्चिया 65, ठीक है, ये लवणता रोधी किस्म है गेहूँ की। पूछ सकता है कि खर्चिया 65 किसकी किस्म है, तो ये हो जाएगी गेहूँ की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 448 पर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 448 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। धान में बौनापन लाने वाले जीन का क्या नाम है, ठीक है, धान के अंदर जो बौनापन लाता है जीन उसका क्या नाम है, नोरिन 10 या ब्राइनिका स्टिक 2 या DGO जीन या ओपेक 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, DGO जीन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नोरिन 10 किसका होता है, गेहूं का होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 449, गन्ने का नियमित आधार पर संकरण केवल किया जाता है मैंदुरे में, कोयम्बटूर में, चेन्नई में या सोलम में। तो गन्ने में जो संकरण केवल किया जाता है कहाँ पर, कोयम्बटूर में ही किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है, ब्रीडिंग सेंटर जो है गन्ने का ये कोयम्बटूर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 450 देखेंगे, सूरजमुखी का उद्भव हुआ है कहाँ पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 450, सूरजमुखी का उद्भव स्थान कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या मध्य अमेरिका या लैटिन अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका जो है सूर्यमुखी का उत्पत्ति स्थान माना गया है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 451, 451 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ड्यूरम गेहूँ किसको निर्दिष्ट करती है, अगुणित गेहूँ है, द्विगुणित गेहूँ है या चतुर्गुणित गेहूँ है या षष्ठगुणित गेहूँ है। तो ड्यूरम जो होता है वो चतुर्गुणित गेहूँ होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 452, आसान क्वेश्चन है। पाले से बचाव हेतु अफीम फसल में छिड़काव करने के लिए गंधक तेजाब का इष्टतम घोल परसेंटेज बताना है कितना होना चाहिए, 0.5%, 0.1%, 1.5% या 2%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1%, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 453, निम्न में से कौन सी नगदी फसल है, चावल है, कपास है, चना है, गेहूँ है। तो नगदी फसल पूछ रहा है तो यहाँ पर कपास जो है ये नगदी फसल है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 454 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन का अमेरिकन वर्गीकरण आधारित है पकने की अवधि पर, फली के आकार पर, बीज के आकार पर या बीज के रंग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पकने की अवधि पर, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का अमेरिकन वर्गीकरण आधारित है पकने की अवधि पर, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 455, छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं, सफ़ेद चावल, लाल चावल, भूरा चावल या ग्रे चावल। तो छिलके वाले जो चावल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, भूरा चावल कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं चावल यानी कि राइस के साथ छिलका जो होता है उसको पॉलिश कहते हैं या लेमा कहा जाता है, ठीक है, और भूरा चावल कहा जाता है, ब्राउन राइस कहलाता है वो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 456 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कौन सा राज्य सरसों उत्पादन में अग्रणी है, पहले नंबर पर कौन सा राज्य है सरसों उत्पादन में, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान जो है सरसों उत्पादन में फर्स्ट रैंक रखता है। क्वेश्चन नंबर 457, बंड जिसको फॉर्मर कहा जाता है से बनाई जाती है, कुंड बनाई जाती है, मेड़ बनाई जाती है या मृदा से समतल किया जाता है या उपरोक्त सभी। तो बंड फॉर्मल से क्या बनाया जाता है, तो याद रखेंगे बंड फॉर्मल से मेड़ बनाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 458, रागी का वनस्पतिक नाम बताना है, ठीक है, रागी का बोटनिकल नेम क्या होता है, एलुसाइन कोरेकाना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एलुसाइन कोरेकाना, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 459 पर, दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 459 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च और हल्दी के साथ साथ फसल लेने की क्रिया क्या कहलाती है, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, जिसको बहुमंजिली खेती भी कहते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग जाना जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। इसमें क्या होता है, नारियल है उसके नीचे छोटे वाले पौधे लगा देते हैं, काली मिर्च के उसके नीचे उससे छोटे पौधे लगा देते हैं हल्दी के, ठीक है, इस प्रकार की जो खेती करते हैं एक ही खेत में तो उसको कहते हैं मल्टी स्ट्राइड क्रॉपिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 460,
सेवन घास का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो सेवन घास का बॉटनिकल नेम बताना है, तो आसान इसका आंसर हो जाएगा लेसियोरस सिंडिकस, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेसियोरस सिंडिकस आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 461, 461 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? मक्का, सरसों, बाजरा प्लस लोबिया। मक्का, आलू, गेहूं, मूंग, उड़द, गेहूं, मूंग या बाजरा, सरसों, मूंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 462 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अपेक्षित खरपतवार होते हैं, ठीक है, रिलेटिव वीड्स कौन से होते हैं? खेत में एक ही फसल के पौधे परंतु अलग अलग किस्मों के, खेत में अलग अलग फसलों के पौधे, फसल क्षेत्रफल में मौसमी खरपतवार या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खेत में अलग अलग फसलों के पौधे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 463, राइजोबियम के द्वारा मृदाओं में नत्रजन स्थिरीकरण किस तत्व के कारण बढ़ जाता है? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 464 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्यमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? ठीक है, रिडक्शन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण या एस्ट्रिफिकेशन के कारण या नाइट्रिफिकेशन के कारण। तो सूर्यमुखी के तेल में कौन सी प्रक्रिया ऐसी हो जाती है जिसके कारण दुर्गंध आने लगती है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 465, मक्का की बढ़वार के लिए उचित तापमान होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 466, बाजरे में वसा की प्रतिशत मात्रा बताना है, ठीक है, बाजरा के अंदर कितने परसेंटेज फैट की मात्रा पाई जाती है? चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, 5, 4, 3 या 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%, ठीक है, तो बाजरे के अंदर जो फैट की मात्रा पाई जाती है 5%, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 467, निम्न फसलों में से कौन सी ऐसी दलहनी फसल है जिसका उपयोग दाल में, चारा में और हरी खाद के रूप में किया जाता है? चना, उड़द, लोबिया या मटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोबिया, लोबिया का उपयोग चारा में, दाल में या हर और हरी खाद के रूप में प्रयोग ले सकते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 468 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलसी में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा बताना है, 26%, 36%, 40% या 44%। तो अलसी के अंदर प्रोटीन की परसेंटेज जो होती है वो हो जाती है 36%, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 469, अलसी किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिलियेसी, टीलियेसी, लाइनेसी या पेडालियेसी। तो अलसी की फैमिली बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाइनेसी, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 470 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त टेम्परेचर बताना है, ठीक है, रेटिंग करने के लिए जूट में कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड या 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 471, नेपियर घास को एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाने हेतु लगभग रूट स्प्लिट की आवश्यकता कितनी होती है? 18,800, 27,800, 33,800 या 42,800। तो नेपियर घास को लगाने के लिए एक हेक्टेयर के लिए रूट स्लिप की आवश्यकता कितनी पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा 27,800, ठीक है, इतने स्लिप की आवश्यकता होती है एक हेक्टेयर में लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 472 नंबर, चुकंदर जिसका वैज्ञानिक नाम होता है वीटा वाल्गेरिस, इसकी फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रेमिनी, कन्वोवुलेसी, चिनोपोडियेसी या लिलियेसी। तो इसकी फैमिली हो जाएगी चिनोपोडियेसी, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 473 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चुकंदर की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है 4 से 8, 8 से 10 या 10 से 15 या 25 से 30। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 8 से 10 किलोग्राम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 474, आलू में कंद बनने हेतु आदर्श तापमान चाहिए 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 18, 21 या 34। तो आलू में कंद के निर्माण होने के लिए या ट्यूबरलाइजेशन होने के लिए
तापमान की आवश्यकता पड़ती है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 475, चने के दानों में प्रोटीन पाया जाता है, चने के दानों के अंदर प्रोटीन की परसेंटेज बताना है, 20, 21 या 22.5 या 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.1% पाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। मटर में पूछे तो 22.2। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 476। 476 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चने की प्रमुख व्याधि कौन सी है, उकठा, झुलसा, पाउडर मिल्ड्यू या ए और बी दोनों? तो चने की प्रमुख जो व्याधि हो जाएगी वो यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पाउडर मिल्ड्यू भी और झुलसा दोनों ही चने में प्रकोप होता है काफ़ी ज़्यादा, झुलसा और पाउडर मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 477, देसी चने की असिंचित या बरानी क्षेत्रों में प्रयुक्त किस्म कौन सी है? ठीक है, असिंचित क्षेत्रों में और बरानी वाले क्षेत्रों में कौन सी चने की देसी किस्म कौन सी अच्छी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पूसा 256। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 478। 478 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी फसल का कटाई सूचकांक, जिसको हार्वेस्टिंग इंडेक्स कहा जाता है, सबसे कम होता है? ठीक है, सबसे कम पूछा है, चना, अरहर, गेहूं या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरहर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे कम कटाई सूचकांक जो होता है वो अरहर का होता है। सबसे अधिक पूछे, अगर यहाँ पे अधिक पूछे तो अधिक आपको बताना है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, आलू का होता है। ठीक है, आलू का होता है, कितना परसेंटेज होता है? तो 82% हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है, आपको याद रखना है। अगर यहीं पर पूछ ले गेहूँ का, पूछ ले गेहूँ का, धान का पूछ ले और मक्का का पूछ ले, गेहूँ, मक्का और धान, इनका हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है 50 से लेके 55%। ठीक है, याद रखना है। दलहनी वाली, और दलहनी वाली फसलों की बात करें, जितनी भी दलहन वाली फसल होती है उसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है 25%। ठीक है, लेकिन अरहर का कितना होता है, 19% होता है, इसलिए सबसे कम यहाँ पे पूछा था, तो सबसे कम हो गया अरहर का। ठीक है, अरहर का सबसे कम हो गया 19%, और सबसे अधिक आलू का 88%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 479 पर। क्वेश्चन नंबर 479 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रभात बताना है किसकी किस्म है, चना की, अरंडी की या अलसी की या अरहर की? तो प्रभात जो किस्म हो जाएगी अरहर की हो जाएगी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 480, निम्न में से कौन सी फसल, जिसको वंडर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, मक्का, धान, सूरजमुखी या सोयाबीन? तो वंडर क्रॉप के नाम से किस फसल को जाना जाता है, सोयाबीन को जाना जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 481, निम्न में से सोयाबीन की किस्म कौन सी है, गौरव, T49, मोनेटो या सभी? तो सूरजमुखी की गौरव किस्म भी है, T49 भी है, मोनेटो भी है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 482, कौन से शाकनाशी का प्रयोग सोयाबीन में किया जाता है, एलाक्लोर, बेसालीन या इमेजा थापर या सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एलाक्लोर, बेसालीन और इमेजे थापर का भी प्रयोग कर सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 483 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पडलिंग की क्रिया से ऑक्सीकृत एवं अपचयित क्षेत्र का विकास कौन सी भूमि में होता है, निम्न भूमि में, जलमग्न भूमि में, ऊपरी भूमि में या बी ए और बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, यानी निम्न भूमि और जलमग्न भूमि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 484, धान की खेती में कौन सी क्रिया संबंध नहीं रखती, बुशनिंग, SRI, डेपोक या अंधी गुड़ाई? तो अंधी गुड़ाई नहीं रखता, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गन्ने में किया जाता अंधी गुड़ाई। डेपोक, SRI, बुशनिंग, ये सभी क्रियाएँ धान से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 485, कौन सी फसल को रात व दिन दोनों समय गर्म जलवायु प्राप्त होने पर अधिक उपज प्राप्त होती है, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मक्का। ठीक है, तो रात और दिन दोनों समय गर्म जलवायु प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, अधिक उपज प्राप्त होती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 486 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पैरा और उतेरा किससे संबंधित है, धान की फसल को काटने से पूर्व अलसी की बुआई करना, धान की फसल को काटने से 2 सप्ताह पूर्व मसूर की बुआई करना या अविराम सस्य उदाहरण या उपरोक्त सभी?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी क्रियाएं सही है, यानी धान की फसल को काटने से पूर्व अलसी की बुआई करना, धान की फसल को काटने से 2 सप्ताह पूर्व मसूर की बुआई करना अविराम सस्य का उदाहरण है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 487, निम्न में से एरेबल फसल का उदाहरण है, एरेबल फसल का उदाहरण कौन सा है, आलू, तंबाकू, धान या सभी? तो एरेबल फसल का उदाहरण जो हो जाएगा हमारा वो सभी सभी हो जाएगा। ठीक है, आलू भी है, तंबाकू और धान, तीनों के तीनों, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 488, 488 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। टिड्डी दल चेतावनी संगठन जिसको LWO, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो है जोधपुर में, बी ऑप्शन राइट आंसर है। सबसे पहले आक्रमण यहीं पर होता है, राजस्थान से ही टिड्डी प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान से होकर राजस्थान जोधपुर में जाती हैं, इसलिए यहाँ पर मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, टिड्डी दल चेतावनी संगठन का मुख्यालय है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 489, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 490, राज्य की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ लगती है, ऊन मंडी पूछ रहा है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में सबसे बड़ी ऊन की मंडी लगती है, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 491, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर? तो आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से बताइए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में स्थित है CIAH। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 492, क्वेश्चन नंबर 492 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जिसको NAM के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है, जोधपुर, नई दिल्ली, जयपुर या बीकानेर? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 493, राजस्थान सहकारिता शिक्षा प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नी TA और कैन सुपरवाइजर के लिए, क्योंकि ये राजस्थान से क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 494, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा स्थित है? तो राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय प्रथम पूछ रहा है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर, SKNCOA जोबनेर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 495, 495 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जयपुर, भरतपुर, अजमेर या जोधपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, अजमेर में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 496, अंतर्राष्ट्रीय उद्यान की नवाचार ट्रेनिंग केंद्र कहाँ स्थित है, सेवर, भरतपुर, दुर्गापुर, जयपुर, तवीची, अजमेर या झालरापाटन, झालावाड़? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर, जयपुर। ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 497, 497 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान राज्य में कृषि निदेशालय स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा 497 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जयपुर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्रीकल्चर TA और कैन सुपरवाइजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 498, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, झलाना जयपुर, दुर्गापुर जयपुर या सूरजपोल उदयपुर या बिछवाल बीकानेर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर जयपुर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे 499, सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताना है सरसों अनुसंधान निदेशालय जिसको DRMR कहा जाता है कहाँ स्थित है, सूरतगढ़, गंगानगर जिले में, नौगांव, अलवर, तवीजी, अजमेर या सेवर, भरतपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा सेवर, भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NRC मस्टर्ड 1993 में सेवर, भरतपुर, राजस्थान में स्थापित हुआ, जो कि 2009 में सरसों अनुसंधान निदेशालय जिसका नाम चेंज करके DRMR अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है, 2009 में इस केंद्र से विश्व की पहली सरसों की संकर किस्म जिसका नाम है, क्या नाम है, NRC SB 506 विकसित हुई थी। ठीक है, अगर पूछ ले पहली संकर किस्म कौन सी थी सरसों की, तो NRC SB 506 कहाँ से निकाली गई थी, ये निकाली गई थी सेवर, भरतपुर से। ठीक है, पूरे विश्व की पहली हाइब्रिड किस्म थी।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 405। 405 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में संतरा उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं एग्रीकल्चर टीए के लिए, तभी इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़, ठीक है, झालावाड़, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 501 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 501 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 750 से लेकर 1150 एमएम तक होती है, उन क्षेत्रों में खेती करना क्या कहलाता है? शुष्क खेती, वर्षा आधारित खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, जहाँ पे 750 से लेकर 1150 वर्षा होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 502, निम्न में से रंध्र बंद करने वाले प्रति उत्सर्जक पदार्थ कौन से हैं? ठीक है, रंध्रों को बंद करने वाले प्रति उत्सर्जक पदार्थ कौन से होते हैं? केओलिन, पीएमए या मोबिलीफ या साइकोसेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पीएमए। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 503, मिनी वाटर शेड का कमांड क्षेत्र होता है 1 से 100 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर या 1000 से 10000 हेक्टेयर या 0 से 10 हेक्टेयर? तो मिनी वाटर शेड का कमांड क्षेत्र होता है 1 से लेकर 100 हेक्टेयर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 504 पर। 504 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, भूमि का ऐसा क्षेत्र जिसमें वर्षा जल बहाव को एकत्रित कर एक बिंदु से निकाल कर नदी आदि में छोड़ा जाता है क्या कहलाता है? वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड, वाटर डिग्गी या खंडिन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर शेड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 505। 505 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। भारत में अनाजों की कौन सी संकर किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई थी? ठीक है, भारत के अंदर अनाज वाली क्रॉप में बताना है, पहली संकर किस्म कौन सी थी? CS, CS1, HB1, जया या गंगावन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगावन। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1961 में मक्का की जो किस्म है गंगावन, ये संकर किस्म थी। ठीक है, कब निकाली गई थी? 1961 में। और साथ ही देखेंगे 1964 में ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी थी? CS, CH1। ठीक है, उसके बाद बाजरा की प्रथम संकर किस्म जो थी HB1 1965 में निकाली गई थी। फिर उसके बाद कपास की प्रथम संकर हाइब्रिड किस्म H4 जो 1974 में निकाली गई थी। ठीक है, और धान की प्रथम संकर किस्म MGR1, ठीक है, जिसका नाम CORH1 कहा जाता है, ये 1994 में विकसित की गई थी। ये जितनी भी संकर वेराइटियाँ हैं जो फर्स्ट बार निकाली गई थी, इन सबको याद कर लेना है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 506 पर। 506 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेहूं की फसल के लिए अगर 2 सिंचाई का पानी उपलब्ध हो तो कब देना चाहिए? CRI गांठ बनते समय, CRI पुष्पन के समय, CRI दानों के दूध बनते समय या CRI दाना सख्त अवस्था पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, CRI पुष्पन अवस्था पर। अगर 1 सिंचाई की आवश्यकता होती है तो CRI गांठ बनते समय, 1 सिंचाई। यहाँ पर 2 सिंचाई पूछा था, 2 सिंचाई के लिए हो जाएगा CRI पुष्पन अवस्था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 507, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गेहूं की फसल का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा? गेहूसा, प्याजी, जंगली जई या हिरनखुरी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, हिरनखुरी ये गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों, आज की एग्रोनॉमी सीरीज समाप्त हुई, जितने क्वेश्चन एग्रोनॉमी के बनने चाहते थे यहीं से आपको एग्रीकल्चर TA के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको एग्रोनॉमी के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। 507 क्वेश्चन जो हम करवाए हैं इसमें से ही एग्रोनॉमी के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इनको एक या दो बार, तीन बार, जितना हो सके उतनी बार आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।